आज के कार्यक्रम के आयोजक सुशासन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भाई विनय सहस्रबुद्धे जी, सहसंयोजक भाई जगदीश मुखी जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन स्मृति ईरानी जी, संसद में मेरी वरिष्ठ सहयोगिनी पूर्व में भारत सरकार की महिला और बाल कल्याण मंत्री आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, संसद में मेरी दूसरी सहयोगिनी राज्यसभा के मुख्य सचेतक बहन माया जी, हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री आदरणीय मृदुला सिन्हा जी और इस कार्यक्रम में भाग ले रही मेरी बहुत ही प्रिय बहनों, आज का ये कार्यक्रम जिस विषय पर आयोजित किया गया है वो है सुशासन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। इसे सबसे पहले तो हम सुशासन का अर्थ जान लें और सुशासन का लक्ष्य जान लें। सुशासन का लक्ष्य है ऐसा शासन जो देश या प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में थोड़ा सुधार कर सके, ऐसा शासन जो देश और प्रदेश के वासियों के कल्याण के लिए हो और ऐसा शासन जो ईमानदारी से किया जाए वो सुशासन कहलाता है और यही सुशासन का लक्ष्य है कि हमारे शासन के द्वारा जिन लोगों पर हम राज कर रहे हैं, जिनके लिए हमें सत्ता में बैठाया गया है, उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठ सके। इसलिए जो सरकार देश और प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाती है, अपने प्रदेश और देश के वासियों के कल्याण की योजनाएं बनाती है, उस सरकार को सुशासन चलाने वाली सरकार कहा जाता है, बशर्ते वो ईमानदारी से शासन करे और भ्रष्टाचार न करे। तो तीन कसौटियां हमारे सामने सुशासन की आई। जो वर्ग सुशासन की बाट जो होते हैं उनमें सबसे अग्रणी कोई वर्ग है तो वो महिला वर्ग है। एक कवियत्री ने महिलाओं के बारे में चार लाइनें कही हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को प्रतिबिंबित करती हैं। कहा है उसने कि एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा सीता का बिंब, चाहे चौसर की बिसात द्रौपदी का बिंब, चाहे हो अग्नि परीक्षा चाहे चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है नारियों की जिंदगी। तो हमारे सुशासन की कसौटी है कि ऐसा शासन जो उस ताप को थोड़ा कम कर सके, उस डगर को थोड़ा आसान कर सके और दांव पर लगी इस जिंदगी की लाज रख सके। यहां जितनी बहनें बैठी हैं वो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, एक एक संस्था है। अभी परिचय लिया मैंने, सभी दायित्वधारी महिलाएं हैं, कुछ संगठन में, कुछ विभिन्न आयोगों में, कुछ मंत्रालयों में। इसलिए हमें सबसे पहले अपने काम का आकलन करते समय ये देखना है कि अब तक जो हमने किया क्या हमारे किसी फैसले से ये ताप थोड़ा कम कर सके हम, ये डगर थोड़ी आसान कर सके हम, उसकी लाज बचा सके हम। जो समाज कल्याण बोर्ड में बैठी हैं वो ताप कम कर सकती हैं, जो महिला आयोग में बैठी हैं वो लाज बचाने का काम कर सकती हैं, जो मंत्रालय संभाल रही हैं वो हर तरह से उसके जीवन स्तर में सुधार कर सकती हैं। जब कोई असहाय किसी राजा के पास आता था तो कहता था कि जन्म से लेकर मरण तक मुझे आपका आसरा चाहिए। लेकिन महिला तो एक ऐसा वर्ग है बहनों जिसे जन्म से पहले भी राज का आसरा चाहिए, उससे तो जन्म का अधिकार भी छिन चुका,
आज जन्म का अधिकार भी उसके माँ बाप या उसके दादा दादी के हाथ में है। अगर माता पिता और दादा दादी चाहेंगे तो वो जन्म लेगी, वरना गर्भ में ही मार दी जाएगी। हम बहुत गर्व करते हैं विज्ञान की खोज पर, लेकिन विज्ञान की ये खोज एक ऐसा अभिशाप बनकर आई है लड़कियों के लिए, जहां गर्भ में ही लिंग का पता चल जाता है। और बेटी नहीं चाहिए तो बहू उसी समय टेबल पर होती है डॉक्टर के सामने गर्भपात कराने के लिए। कन्या भ्रूण हत्या, हम किस सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? आरक्षण और राजनीतिक संरक्षण तो बहुत बाद में आएगा, मैं क्रमवार लूंगी तो वो अंत में आएगा, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मैं उसे मानती, लेकिन जन्म का ही अधिकार नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या जिस रूप में बढ़ रही है और करने वाला इसे अपराध नहीं मानता, उसके मन में एक क्षण के लिए नहीं होता कि मैं बेटी को मार रहा हूं। मैं तो कई बार कहती हूं कि अजीब है ये देश, वर्ष में दो बार नौ नौ दिन के लिए देवी की प्रार्थना करता है, आराधना करता है, और हर बार वो देवी की प्रार्थना समाप्त होती है कन्या पूजन से, कंजक जिमाई जाती है। उस दिन घर की बेटियों के साथ साथ पड़ोस की बेटियां बुलाते हैं, हम पकड़ पकड़ के लाते हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं सुबह सबसे पहले हमारे घर भेज देना अपनी कन्या को। आती है तो दहलीज पे खड़े होकर चरण धोते हैं उसके, हाथ पर कलावा बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं ये कहते हुए कि या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हलवा पूरी चने और दक्षिणा रख के उसको देते हैं और फिर सम्मान से उसके चरण छूकर उसे विदा करते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन अगर पता चलता है कि बहू के गर्भ में बेटी है तो बेखौफ होके कहते हैं जाके गिरवा दो। ये कैसी विडंबना है। तो सशक्तिकरण का पहला बिंदु तो है उसका जन्म। शासन ने बहुत सी योजनाएं चलाई, केंद्र सरकार ने कानून बनाया पीएनडीटी, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जहां हर छह महीने बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, ना लिंगानुपात बदला ना कन्या भ्रूण हत्या समाप्त हुई। लेकिन आज मुझे खुशी है यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बहनें बहुत ज़्यादा बैठी हैं। हम गर्व से कह सकते हैं जब मध्य प्रदेश में शासन आया भाजपा का तो सुशासन की पहली झलक हमने दी। हमने कहा कि आखिर ये भ्रूण हत्या होती क्यों है, तो कारण यही पता चला कि बेटी को लोग बोझ मानते हैं, उनको लगता है पहले पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, फिर शादी ब्याह में दहेज दो, और उसके बाद भी भात छूछक की जिम्मेदारी जिंदगी भर निभाओ तो बेहतर है पहले ही खत्म कर दो। तो एक अभिनव योजना लेकर आया मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का शासन, लाडली लक्ष्मी योजना, कि तुम बोझ मानते हो ना, तुम बोझ मत मानो, सरकार इस बोझ को उठाएगी। बच्ची के जन्म के साथ ही 6,000 का एक बॉन्ड उसको दे दिया जाता है, 18 वर्ष की होने पर 1,00,000 रुपया उसके घर, 1,18,000 रुपया उसके हाथ में होता है, और उसी के साथ कहा कि शिक्षा का प्रबंध हम करेंगे। बैठी हैं यहाँ वहाँ की स्कूली शिक्षा मंत्री, बच्चियों की शिक्षा निशुल्क, पुस्तकें निशुल्क, गणवेश निशुल्क, यूनिफॉर्म निशुल्क, और अगर गांव में स्कूल नहीं है और बराबर के गांव में आठवीं के बाद पढ़ने जाना पड़ता है क्योंकि आठवीं तक के स्कूल लगभग हर गांव में है, तो साइकिल दूसरे गांव में जाने के लिए। ये सारी जिम्मेदारी शासन ने उठाई, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है ये योजना कि उसने लिंगानुपात भी बदल दिया और भारत सरकार को भी लगा के एक अनुकरणीय पहल है जिसको हमें करना चाहिए। ये है सुशासन, समस्या की छांट और उसका समाधान। समस्या उसके जन्म की थी,
पहला सशक्तिकरण उसे चाहिए था, उसे जन्म का अधिकार मिले। जो बाकी चीजों की सजा है सब है वो अलग अलग चल रही है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसने प्रोत्साहन का काम किया, इंसेंटिव का काम किया, माँ बाप को ये लगने लगा कि अगर ये सब कुछ शासन करने को तैयार है तो हम बेटी को बोझ क्यों माने, और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बदल गया। तो ये सुशासन का पहला उदाहरण मैंने आपको दिया जो उसकी पहली समस्या से संबंधित था। उसके बाद शिक्षा, उसको मैंने साथ ही जोड़ा कि शिक्षा पे तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, शासन स्वयं करेगा। उसके बाद विवाह, उसके लिए भी योजना बना दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसा, हर समाज के लोग, हर मजहब के लोग, हिंदू हो और मुस्लिम हो, सामूहिक विवाह हर जिले में होंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शासन की तरफ से पैसा, शासन की तरफ से उस समारोह का आयोजन, लेकिन समाज इस कदर जुड़ गया। मैंने तो स्वयं जाकर के इस तरह के विवाहों में शिरकत की और ये देखा कि एक मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार भी जिन चीज़ों की अपेक्षा नहीं कर सकता अपनी बच्ची को देने के लिए, वो समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से जब बिल्कुल गरीब बेटियों की शादी हो रही है तो कोई फ्रिज दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई गैस का चूल्हा दे रहा है, कोई चीज घर गृहस्थी की ऐसी नहीं जो बसने के लिए घर चाहिए और उसके पास नहीं है, वो सब लेकर इतने बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं। निकाह के लिए मौलवी बैठे हैं, विवाह के लिए पंडित बैठे हैं, आनंद कारज के लिए सिख ग्रंथी बैठे हैं, और हर समाज और हर मजहब के लोग वहां शादी करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो ये है सशक्तिकरण के, सुशासन के उदाहरण जो हमारी राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आप जहां जहां बैठी हैं, जिस जिस दायित्व पर बैठी हैं, सबसे पहले उन समस्याओं की छांट कीजिए, क्योंकि आपके पास क्या है देने को। जो मंत्री हैं वो तो फैसले कर ही सकती हैं हर तरह के, और मैं मंत्रियों को कहना चाहूंगी, फाइलें देखना आपका काम नहीं है अकेले। जब मंत्री पद छोड़कर जाओगी तो इससे कोई आकलन नहीं करेगा आपके काम का कि आपने कितने फाइलें देखी। याद किए जाओगी अपने फैसलों के लिए, कौन सा फैसला किया, अमर फैसले। आज भी जब हम एनडीए की बात करते हैं, शासन तो केवल 6 साल रहा हमारा, बाकी तो 60 साल दूसरे ही राज करते रहे, 40 साल अकेले एक साथ कांग्रेस राज करती रही, उसके बाद भी कर रही है। लेकिन आज भी 6 साल में हम ये कह सकते हैं कि अगर गांवों को सड़क से जोड़ने का किसी एक व्यक्ति ने फैसला लिया तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के नाम लिख दी गई। शेरशाह सूरी के बाद उसने एक राजमार्ग बनाया था, एक जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद इस देश में राजमार्ग कभी चौड़े नहीं हुए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आज भी अटल जी के नाम लिख दी गई। नदियों को जोड़ने की योजना, ये देश बाढ़ और सुखाड़ दोनों से मरता, 1,60,000 करोड़ की वो योजना। गंगा से गोदावरी जोड़ो, कृष्णा से कावेरी जोड़ो, वो नदी जल जोड़ने की योजना अटल जी के नाम लिख दी गई। ये फैसले हैं, बड़े फैसले। अभी शिखा जी कह रही थी कि अपने महकमों में इन्होंने कुछ फैसले लिए, गर्व है मुझे इस बात का और संतोष है, आत्मसंतोष। 1 साल के लिए मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, 1 साल के लिए, 2003 में मिला, 2004 में सरकार चली गई, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने 6 एम्स बनाने की घोषणा की थी और लोग हैरान रह गए थे कि 56 वर्षों में 1 एम्स और 1 वर्ष में 6 एम्स। सरकार चली गई तब नहीं बन पाए, अब बन रहे हैं, लेकिन जब भी बनेंगे और जब भी चालू होंगे वो लिख दिया जाएगा कि ये उनके समय का की योजना है, उनके समय की बनी हुई योजना। और केवल योजना नहीं बनाई थी, 10 महीने के अंदर जमीनें लेकर, शिलान्यास करा के, बाउंड्री वॉल बना के बजट हेड क्रिएट करा दिया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी, उसके बाद मुझे ये विभाग मिला
और जैसे ही पहले दिन मैंने एम्स का दौरा किया और वहाँ की हालत देखी तो मुझे लगा कि सरकारी क्षेत्र में टर्शरी केयर का ये हाल है। उसी दिन मैंने डेटा मंगवाया कि कहाँ कहाँ के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ, चिकित्सा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों के नाम जोड़े, तो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, ये 6 एम्स छांटे और 6 दूसरे अस्पतालों को एम्स के तर्ज पर अपग्रेड करने की बात की। और मैं लेकर चली गई अटल जी के पास कि अटल जी मैं चाहती हूँ कि 6 एम्स बनाऊँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, 56 साल में 1 एम्स बना, मैं 1 साल में 6 एम्स बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, 1 साल में 6 एम्स बना सकती है। मैंने कहा लेकिन प्लानिंग कमीशन आड़े आ रहा है, वो कहते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, 4,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, नए सिरे से कैसे हम लोग मान लें। पंत जी, केसी पंत प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। मैंने कहा अटल जी अगर आप चाहते हैं कि ये बने तो आपको एक फ़ोन करना होगा केसी पंत को। उन्होंने मेरे सामने उठाकर फ़ोन किया और कहा कि सुषमा एक बहुत बड़ा सपना लेकर आई है, बहुत अच्छी योजना है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा 10वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि 5 साल सपने देखना बंद कर दें, 5 साल नई योजनाएं नहीं आएंगी। इसे ये विभाग उसके बाद मिला है, आप इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दीजिए, बजट हम दे देंगे। और मुझे उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया। जसवंत सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये 6 राज्य में मैं ये बनाना चाहती हूँ। तो बोले राजस्थान में जोधपुर में बनाओगी? मैंने कहा ज़रूर बनाऊंगी। तो बोले लो बजट हेड क्रिएट कर दिया, आगे बढ़ो और ये 6 एम्स बनेंगे। कभी भी वो बनेंगे वो 6 एम्स लिख दिए गए मेरे नाम। मैं INB मिनिस्टर थी, मैंने देखा कि कौन से फैसले पेंडिंग हैं। 40 साल से फिल्म वाले फिल्म को इंडस्ट्री कहने की मांग कर रहे थे और फिल्म को इंडस्ट्री ना होने के कारण से बैंक उन्हें पैसा नहीं देते थे, अंडरवर्ल्ड से उन्हें पैसा लेना पड़ता था, वो मजबूर थे। मैंने उसी दिन कहा कि अच्छी फिल्म और अच्छे धन का बहुत सीधा रिश्ता होता है, अगर बैंक से पैसा मिलेगा तो अंडरवर्ल्ड के शिकंजे से फिल्म वाले निकल जाएंगे। जब फिल्म वालों का प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया, मैंने कहा 30 दिन के बाद कार्यक्रम रख लो, मैं इसको इंडस्ट्री घोषित करने का नोटिफिकेशन लेके आऊँगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि 40 साल से ये मांग चली आ रही, नहीं हुआ, और आपने कहा कि आप 30 दिन में कर देंगी। तो यश चोपड़ा उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा आप इस मेटल को जानते नहीं, आप रखिए कार्यक्रम। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 30वें दिन कार्यक्रम हुआ और बम्बई के लीला होटल में मैं नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर गई थी और फिल्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया था। आज ये जो मीडिया बूम आपको देश में दिख रहा है, ये केवल मेरे एक फैसले का काम है। इंडिया से अपलिंकिंग अलाउड नहीं थी, केवल डाउनलिंकिंग अलाउड थी। जो कंपनियां थी उनके लोग हर समय जहाज में बैठते थे अपलिंक कराने के लिए। कहाँ से अपलिंक होता था? थाईलैंड, मॉस्को, हांगकांग, हर समय उनका एक व्यक्ति बैठा रहता था। तो कहते थे हम न्यूज़ चैनल तो चला ही नहीं सकते क्योंकि जब जाकर अपलिंक होगा तब तक न्यूज़ बासी हो चुकी होगी। तो मैंने कहा इसके पीछे मुझे कारण तो बताओ। बोले कि नहीं अपलिंक होगा, कुछ का कुछ ये लोग दिखाते रहेंगे। मैंने कहा उल्टा, डाउनलिंक जब आप करते हो तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते क्योंकि कॉन्टेंट बाहर से आ रहा है, आपका कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं है। कितना मॉनिटरिंग करवाओगे बैठा कर? लेकिन अगर अपलिंक करते हो तो आप अपना कोड बना सकते हो, आप चैनल को बंद करवा सकते हो। मुझे समझ नहीं आती कि इतना बेहुदा काम क्यों। 1 महीने में मैंने इंडिया से अपलिंकिंग अलाउ की थी और ये पूरा मीडिया बूम जो लाखों लाख लोग आज मीडिया में लगे हैं और उनको रोज़गार मिल रहा है और भारत एक हब बन गया है, ये उस फैसले का। मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकती हूँ लेकिन केवल उल्लेखनीय 2 उदाहरण 2 अलग विभागों के अगर आपको दिए तो मैं जिसलिए कि याद की जाओगी फैसलों के लिए, फाइलें निकालने के लिए नहीं। इसलिए पहले तय करो कि ये दायित्व मुझे मिला है, इसमें मैं ये कर सकती हूँ, तुरंत फैसले लो। और अधिकारी बहुत आड़े आएंगे, बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी,
ये जो मैं 10 महीने में 6 एम्स को यहां तक पहुंचा पाई, उसका भी राज बता दूं। मैंने अपने कमरे में 1 घंटा डेडिकेटेड रख दिया था हर रोज, उसका नाम था एम्स आर 3 से 4। रोज 3 से 4 एम्स आर के अंदर हर अधिकारी मेरे पास आकर बताएगा कहाँ की जमीन की प्रोग्रेस क्या है, कहाँ चीफ मिनिस्टर से बात होकर के जमीन ले ली गई है, कहाँ हमें शिलान्यास के लिए कौन सी तारीख तय करनी है। हर दिन की प्रगति मॉनिटर करती थी मैं, एम्स आर था वो 3 से 4, हर दिन प्रतिदिन। और सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे वो 3 से 4 में आते थे और उसे 1 घंटे में बात करते थे। लोगों को ये मालूम था, अधिकारी डिले कर ही नहीं सकते थे कि अगले दिन बताना है, तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ करके जाना है तो अगले दिन मैडम को बता पाएंगे। तो स्पीड बहुत बढ़ी है, केवल फैसला ले लेना और उसको कागज पर रख देना, नीचे ना उतरवा पाना, उससे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो सुशासन और सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण तो आप सबका एक लक्ष्य है ही, आप राज्य महिला आयोग में हैं तो भी महिला सशक्तिकरण आपका लक्ष्य है, समाज कल्याण बोर्ड में है तो भी आपका महिला सशक्तिकरण लक्ष्य है, और महिला बाल कल्याण मंत्रालय संभाल रही हैं या स्कूल संभाल रही हैं तो भी महिला सशक्तिकरण आपका लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए आप अपने माध्यम से क्या क्या कर सकती हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों के माध्यम से जो जो आप कर सकती हैं उन फैसलों की सूची बनाइए, वो फैसले लीजिए और उन फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए उसमें स्पीड डालिए। उसके बाद ये सशक्तिकरण में आपको स्वयं को एक आत्मसंतोष का अनुभव होगा, धीरे 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 जैसे करते जाएंगे। ये ठीक है कि ये सब होने के बाद भी अगर राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं है तो महिला के पास अथॉरिटी नहीं है, और ये हमने स्वयं देखा है कि असली शक्ति राजनीतिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि सभी भाजपा शासित राज्यों ने जो 33% आरक्षण केंद्र के द्वारा दिया गया था पंचायती राज में, उसे भी भाजपा शासित राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया। आज हर दूसरे गांव की महिला सरपंच महिला है, हर दूसरे जनपद की अध्यक्षा महिला है, हर दूसरी नगरपालिका की अध्यक्षा महिला है, हर दूसरे कॉरपोरेशन की मेयर महिला है, क्योंकि 50% का आरक्षण है। और ये आरक्षण केवल सदस्यता में नहीं है, ये हेडशिप में भी है, मुखिया में भी है। इसीलिए लाखों बहनें सरपंच बनी हैं, नगरपालिका अध्यक्ष बनी हैं, मेयर बनी हैं। यहाँ भी बहुत आई, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र की 2 अध्यक्षाएं नगरपालिका की बैठी हैं, पूर्णिमा जैन और मंजू धीरेन्द्र कुशवाहा। हर दूसरी नगरपालिका, हर दूसरा कॉरपोरेशन, हर दूसरा गांव, तो निर्णय प्रक्रिया में है आप। राजनीतिक सशक्तिकरण का जहां तक सवाल है, वो असली सशक्तिकरण इसलिए है कि उसके साथ अथॉरिटी आती है। मैं बहुत बार कहती हूं, एक आईटी प्रोफेशनल, एक प्रोफेसर, एक किसी कंपनी में काम करने वाली महिला के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत एक लेडी एसपी की, एक लेडी चपरासी में है। देखी है हमने ऐसी आईटी प्रोफेशनल जिनको महीने के पहले दिन तनख्वाह सास के हाथ में रखनी पड़ती है, जहां गुस्से का शिकार होने पर पति से पिटना पड़ता है, लेकिन एक महिला एसपी की महिला पियोन को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी अथॉरिटी उसके बॉस से आती है। उनको लगता है कि अगर तुम कुछ कर दोगे तो तुम्हें जेल के सिंकचों के पीछे डलवा देगी। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं। हम जितने महिलाएं राजनीति में काम कर रही हैं, यहां सांसद बैठी हैं, विधायक बैठी हैं, केवल हम नहीं, हमारे साथ जुड़ी हुई बहनें जो काम करने वाली कार्यकर्त्रियां हैं उन तक वो अथॉरिटी जाती है।